हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, बैकग्राउंड में बज रहा है ढोल, इसका मतलब कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो का लेना देना बिल्कुल भी कॉमर्स स्टूडेंट से ही नहीं है। इस वीडियो में आपको आर्ट स्ट्रीम हो या फिर आप साइंस स्ट्रीम के हों या फिर आप किसी भी स्ट्रीम के छात्र हों, आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ साथियों, टॉपर बनने के लिए केवल टॉपर सोच लेना ही मात्र नहीं होता है, टॉपर बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, टॉपर बनने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ता है और टॉपर बनने के लिए इन कुछ पॉइंट्स पर अपना काम करना पड़ता है। तो ये कौन कौन से पॉइंट हैं आपको बताऊंगा आज बहुत ही डिटेल में कि आप कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो पहले नंबर पर आता है नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को जानिए साथियों, अपना सिलेबस क्या है, उस सिलेबस का वीक जोन आपके लिए क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आपका जो मीडियम जोन क्या है जिस पर आप छोटी सी मेहनत करके अच्छा काम कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं यानी वो आपके इजी जोन में जाएंगे, जो टॉपिक आप थोड़ी सी मेहनत से कर लेंगे वो आपके मीडियम जोन में जाएंगे और जिन टॉपिक पर आपको बहुत मेहनत करनी है वो हार्ड जोन में जाएंगे। तो ऐसे आपको टॉपर बनना होगा कि जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। टाइम सेकेंड जो आपका टू पॉइंट रहेगा वो है मैनेज योर स्टडी, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि किस सब्जेक्ट को मैं किस समय पढ़ूं, किस सब्जेक्ट को किस तरह से मैं पढ़ूं, किस सब्जेक्ट के लिए मुझे कितना टाइम देना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे खाना है, कब मुझे एंजॉयमेंट करना है। तो ये सब चीज़ें टॉपर सोचता है और आपको भी इस टॉपर के हिसाब से सोचना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट तो इतना बड़ा खेल है साथियों, अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपका वो काम फेल हो सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी कार्य के लिए। तीसरे नंबर पर आता है इवेल्युएट योरसेल्फ। इवेल्युएट टाइम टू टाइम, समय समय पर अपना इवेल्युएशन करें, ये जानें कि हम भाई कितने पानी में हैं। सीधी सी भाषा में आपको पता चले कि आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस आज की डेट में है और यदि आप अगर आज एग्जाम में जा रहे हैं तो आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो टेस्ट देने से, इवेल्युएट करने से आप एनालिसिस करेंगे, अपने स्ट्रॉन्ग जोन, वीक जोन और 50-50 जोन को जान पाएंगे। नो योर वीकनेस साथियों, जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, आप अपने वीकनेस पर ओवरव्यू करेंगे, उस पर अपना पूरा मंथन करेंगे कि भाई हमने क्या किया है, किस तरह से हमारी कमजोरी रही, क्या हम अच्छा नहीं कर पाए। योर टेक्स्ट बुक, अपने टेक्स्ट बुक के जरिए आप अपना भी ओवरव्यू करेंगे और जो कमियां रह गई उस पर रिवर्क करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है साथियों। फिफ्थ नंबर पर आता है वर्क ऑन योर वीकनेस, अपनी कमजोरियों पर काम करना। तो डीप स्टडीज करेंगे हम, हार्ड टॉपिक्स पर डीप स्टडीज करेंगे और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सिक्स नंबर पर आता है नो योर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को जानना। अगर हम अपने स्ट्रेंथ को जानेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को जान करके अपना काम करेंगे, क्या होता है कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उनको एक सब्जेक्ट बहुत पसंद आने लगता है तो उसी पर आप काम करने लग जाते हैं। ये सबसे गलत टाइम और गलत स्टेप होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से दूसरे सब्जेक्ट को कमजोर अपने आप बनाते रहेंगे। तो नो योर इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उनको टाइम के हिसाब से कम समय दे सकते हैं आप। इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप एग्जाम में जाते हैं, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप जो आपको आंसर अच्छे से आता है वो भी आप सही से नहीं लिख पाएंगे। और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहना है, वर्ड्स पर नोट्स प्रिपेयर करें और अपना डेली आंसर राइटिंग करें। डेली आंसर राइटिंग करने से आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपके जो वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, वो भी स्ट्रांग होगी। नो योर एग्जाम पैटर्न, अपने एग्जाम पैटर्न को जानिए। कुछ स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इस कारण से क्या होता है, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन पर ज़्यादा लंबा लिखने से वो अपने पेपर को छोड़ आते हैं और यहीं से आप टॉपर से फ्लॉपर नहीं तो कम से कम उसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। क्या कारण है कि 50 बच्चों की एक क्लास में एक ही बंदा टॉपर आता है, तो ये पॉइंटों पर वो मेहनत करता है, इन पॉइंटों पर वो सोचता है जिस पर बाकी सारे स्टूडेंट कुछ नहीं करते हैं, उस पर काम ही नहीं करते हैं। हंगर टू अचीव मोर एंड मोर, टॉपर को भूख होती है ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की। अगर उसके हाफ अनली में 70 नंबर आए 100 में से, तो वो 70 से ज़्यादा लाने की सोचता है एनुअल में, तो उसके लिए वो अपने और ज़्यादा मेहनत करता है, और ज़्यादा काम करता है, और ज़्यादा प्रयास करता है। और लास्ट में आता है डू समथिंग यूनिक, जो टॉपर का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी यूएसपी क्या होती है, वो कुछ यूनिक करता है, अपने राइटिंग को लिखने में कुछ यूनिकनेस लाता है, या फिर अपने आंसर को प्रेजेंट करने में कुछ यूनिकनेस लाता है, या फिर अपने आप को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करता है कि वो वास्तव में एक टॉपर ही लगता है। तो टॉपर वाला कॉन्फिडेंस आपको इन
पॉइंटों से अगर आया हो और आपको लगता हो कि मैं भी टॉपर बन सकता हूं, तो आज इस वीडियो को देखकर इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकें कि यार आप टॉपर नहीं तो आप बीच वाले लिस्ट में तो आ ही जाएं, क्योंकि एक ना एक दिन तो हम सब टॉपर बन के ही दिखाएंगे। फीलिंग टॉपर वाली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।